महाराष्ट्र दिवस सोमवार को मुख्य सरकारी कार्यक्रम कस्तूर चंद पार्क पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री व पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हस्ते महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद पालक मंत्री फडणवीस विविध पथकों का निरीक्षण किया और पथ संचलन का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोरबोले ने किया। वहीं सेकंड इन कमांडर आरक्षित पुलिस दल के उपनिरीक्षक संतोष गिरी थे। इस पथ संचलन में कुल 13 टीमें सहभागी हुई थी। इसमें नागपुर शहर पुलिस, राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल, शहर महिला पुलिस, होमगार्ड, गृह रक्षक दल, होमगार्ड आदि शामिल हो रहे थे। कार्यक्रम में पुरस्कार व नियुक्ति पत्र का वितरण पालक मंत्री के हस्ते हुआ। गत वर्ष 2021-22 में सशस्त्र सेना ध्वज निधि अधिक संकलन करने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पुलिस महासंचालक पदक से सम्मानित नागपुर शहर व ग्रामीण के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी का सम्मान आदर्श तलाठी पुरस्कार, छत्रपति शिवाजी महाराज वंशश्री पुरस्कार 2018-19 के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। इसके साथ ही पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए। संत गति ने सांगणाऱ्या या वाहनाचे कुशल चालक आहेत श्री अशोक बनकर, त्यांच्या सोबत आहेत परेड कमांडर साहेब। भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर जी राज्य निर्मिती झाली त्यात 14 राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या जी निर्मिती झाली आणि त्यावेळी आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांनी असं संबोधलं होतं की आज देशामध्ये 14 रत्न हे जन्माला आलंय आणि त्यानंतर महाराष्ट्राने केलेली प्रचंड प्रगती ही संपूर्ण देशामध्ये। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।